हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुई जयवासी। देखिए, जिसने भी सिल्फी परी और नीलमणि परी की शक्ति लिए, उनके लिए बता देती हूँ कि आज रात को 2 बजे वो आपको दर्शन देगी। उसके लिए आपको सिर्फ 2-3 काम करना है। एक मोगरे का इत्र ला के रखना है, मोगरे का गजरा ला के रखना है, और हो सके तो 1.25 पाव कोई भी सफ़ेद मिठाई ला के रखनी है, क्योंकि मुझे तो रहमान बाबा से गुलाब का अगरबत्ती मिला है, वो रात को मैं जला दूंगी। और हो सके तो आप देखिए कोई भी कुछ भी पहनी, क्योंकि देखिए आज हमने सफ़ेद वस्त्र धारण किया है, क्योंकि नीलपड़ी आएगी, हमारी जरिया आएगी और एक अलग सा सुंदर सा रूप रहेगा। मतलब आपको पहले वो सपने के थ्रू आएगी, कहते ना 19-20 साल की प्यारी सी सुंदर सी लड़की जो पूरी तरह से कहते ना मतलब हीरो जेवरात से भरी हुई रहती है, वो आके आपसे पूछेगी कि आपकी सबसे पहली इच्छा क्या है। ये बात का ध्यान रखिएगा, 2 बजे बराबर आपको सोना है, डरना नहीं है। और कितने लोग क्या करते हैं मालूम है, परी आने वाली करके जागते रहते हैं, ऐसा नहीं। आपको आपके रूम में खुशबूदार मोगरे का इत्र छिड़क के और मोगरे का फूल रख के आपको सो जाना है। मोगरे का इत्र इसलिए छिड़कना है कि फिर आपको गुलाब की खुशबू की महक का पता चलना चाहिए। दूसरी बात, जिस भी साधक ने ये शक्ति ली है, उस साधक को 72 घंटे में सबसे पहले ये शक्ति सपने के थ्रू दर्शन दे के 72 घंटे में पहले ये साधक को सबसे बड़ा फायदा करवाएगी। हो सकता है 72 घंटे में आपको लॉटरी लग जाए, हो सकता है कहीं पुराना कोई केस जीत जाए, हो सकता है कुछ कहीं गिरे हुए पैसे मिल जाए, कहीं अचानक से धन प्राप्ति हो जाए, कुछ भी ऐसा होगा जिसका वो पहले आभास दिलाएगी कि मैं आपकी ज़िंदगी में आ चुकी हूँ। ये बात है, ये सबसे पहला संकेत होगा उसका। दूसरी बात, आपको हमेशा अपने आसपास एक खुशबू महसूस होगी, ऐसे लगेगा कि कुछ तो है, कुछ तो अलग महसूस हो रहा है आपको। और अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि मन में मैं कुछ सोच रहा हूँ और वो पूरा हो रहा है। जैसे प्रपोज अभी हमने सोचा कि वो चीज़ मुझे खरीदनी है, या मुझे आज वो चीज़ लेना था, बहुत दिनों से सोच रहे ले नहीं पा रहे, अचानक से वो चीज़ें आपको 24 घंटे भी नहीं बीते हुएंगी और आपको कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा, ले लेंगे। अचानक से अगर आपके घर में मतलब कोई पौधे रहेंगे, उसके अंदर अचानक से कोई अलग ही रंग का फूल उगाएगा, ऐसी बात है। ये सारे संकेत हैं शक्तियों के आपके पास आने के, और 72 घंटे में आपको फायदा कराएंगे। दूसरी बात, मैं तो अपने विंध्याचल के लिए निकलूंगी भी 1-2 दिन में, और वहाँ पे हमारा सारा तैयारी हो चुका है, क्योंकि हमारे लिए नवरात्रि और दिवाली बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोगों ने कहा हमें जन कल्याण के लिए शक्तियों का मास सीखना है, सीखिए ना, कौन मना कर रहा है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा करके सुल्तान जिन के जरिए हम आईनी अमले दिखा सकते, कौन कहाँ क्या कर रहा है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं तो हर तरह का तरीका सिखाने की तैयार हूँ, आप लोग सीखना चाहे तो सीखे ना, क्योंकि दिवाली आ रही है। दिवाली की रात पूरे साल में एक ऐसी रात होती है जिसका वेट हर तांत्रिक पंडित हर साधक करता है। तो मैं अभी भी कह दूँ, शक्तियाँ लीजिए, सीखिए, नवरात्रि तक मैं आपको इतना ट्रेन कर दूंगी कि आप दिवाली की रात को इंसान जैसे इंसान बैठ के बात करते हैं, वैसे इंसानी रूप में आप बैठ के बात करेंगे। पिछले साल भी मैंने बहुत सारे लोगों को दिवाली में तरीका बताया था, याद है ना आपको, इसलिए मैं बोलूँगी 1 महीना पहले ही बताऊँगी, 40 दिन पहले ही ये प्रोसीजर होता है। ये बात है, तभी आप जाके एक महारत पंडित और ये बन सकते हैं, ठीक है। आई कल मैं ऐसे अपने चतरा भैया को फ़ोन की थी, तो उनको मुझे पता चला था कि हमारी माँ की जो पादुका है, चरण चांदी का जो चरण है, थोड़ा टेढ़ा हो गया था तो वो लोग उसको बनाने कहते कि हमारे गांव में एक दिन चांदी का रहता है, रात के टाइम सोने का माँ पहनती पादुका, सुबह सुबह चांदी का पहनती है। तो मेरे को उस वक्त संकेत नहीं मिला, मैं माँ के पास आ रही थी। मैंने भी परसों ही आपको कहा था माँ के सामने कि माँ, ये जो भी लोग मेरी इज्जत उतारने को देख रहे हैं ना, या तो तू उनको सजा देगी, या तो मैं समझ जाऊंगी तू भी कुमाता बन चुकी है। तो सजा तो उन्होंने दे दी, अपने पाँव की पादुका को अगर उन्होंने टेढ़ा कर दिया है, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई किसी न किसी का बहुत गंदी तरीके से एक्सीडेंट होने वाला है, और किसी का पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर होगा और कुछ गंदा ही होगा। क्योंकि अगर माँ ने अपने पैरों की पादुका को टेढ़ा किया है, तो समझो किसी की तो जिंदगी टेढ़ी होने वाली है, ये गारंटी है मेरे को। ये माँ ने मुझे संकेत दे दिया मेरे भाई के जरिए। दूसरी बात, इस बार नवरात्रि है, देखिए हम क्या कमाते हैं क्या, वो अलग बात हो गई है, लेकिन ये बात है कि इस बार विद्या देवी अपनी माता रानी के पास है, नवरात्रि वहाँ मनाएगी। और जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला है कि मैं दुर्गा पूजा में अपनी माँ के पास रहूँगी। हमेशा से मैंने मूर्ति की पूजा की, इस बार साक्षात्कार में अपनी माँ की पूजा करूँगी, माँ के चरणों में पड़ी रहूँगी, माँ के साथ लाड़ दुलार करूँगी, माँ का बहुत सारा प्यार लूँगी, अपने भाइयों के साथ रहूँगी, व्रत करूँगी।
पूजा पाठ करूंगी, वहाँ पे नौचंडी पाठ होगा, सारा पाठ होगा और माँ को 21 लाख रुपए का सोने का हार चढ़ेगा। वहाँ तो ऐसे भी आप लोगों को न्यूज में आ जाएगा, लेकिन दशहरे के दिन, मतलब जिस दिन अष्टमी का त्यौहार रहता है, अष्टमी के त्यौहार के दिन से लेकर दशहरे के दिन तक माँ वो हार पहनेगी। बड़ा भव्य श्रृंगार होगा और बड़ा भव्य हार होगा, आपको उस हार की फोटो दिखाई जाएगी। लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे भाई ने मना किया है। 21 लाख रुपए का पूरा गोल्ड का हार माँ के, मतलब पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक उनके चरणों तक वो हार आएगा। इतना सुंदर हार होगा, अब आप सोच लीजिए अगर 21 लाख का हार है तो कितने तोलों का होगा और कैसा होगा। बहुत बड़ा चीज़ होगा और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे चतरा भैया की तरफ से है, बाकी किसी का योगदान उसमें नहीं है। ऐसी बात है, मैं इसके बदले अपनी माँ से कुछ नहीं मांगूंगी। मैं इसके बदले ये चाहूंगी कि मैं जितना जन्म मैं इंसान का लूँ, जितनी भी जिंदगी में इंसान का लूँ, भाई के रूप में मुझे सिर्फ मेरा चतरा भैया देना और कुछ मत देना, और मेरे केशों को मेरी गोद में दे देना। बस इससे ज़्यादा मुझे माँ कुछ नहीं चाहिए। इतना तो मेरी माँ मुझे देगी ना बस। बाकी शक्तियाँ अगर किसी ने नहीं ली वो भी ले लीजिए, उनको भी ये सारा फायदा होगा, बाकी आपके मर्जी। और दिवाली में अगर कोई जैकपॉट पार करना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें पानी है, क्योंकि अगर आज भी आप सुल्तान जिन लेते हैं तो मैं आपको अभी भी वादा करूँ कम से कम 25-30 लाख का फायदा होगा, गाड़ी का फायदा होगा, और दिवाली में आपको साक्षात्कार सुल्तान, जिस तरह से विद्या देवी आपसे बैठ के बात करिए, वैसे वाइट पठानी में कोई तो आके आपसे बाकायदा से फेस टू फेस बात करेगा। ये मेरा वादा है बस, क्योंकि इसकी सारी तैयारी मैं अजमेर में करने जा रही हूँ। अभी मैं अजमेर पहुँचूंगी, जब भी पहुँचूंगी 4-5 दिन में अजमेर पहुँचूंगी, और अजमेर पहुँच के पूरी रात 1.25 लाख नादे अली होने वाला है। नादे अली होते जिन्नात तो आने ही आने, और आने के बाद फ़ायदा देना ही देना है, क्योंकि इस बार जो सुल्तान आएगा वो सिर्फ मेरी तरफ से पैसा नहीं आएगा, वो सुल्तान भी उनको अपनी तरफ से जो देने वाला है वो बहुत बड़ा सौगात देगा। तो तैयार हो जाइए, जिसको भी ये मौका मत मिस कीजिए। अगर सच में तंत्र विद्या में, मंत्र विद्या में आगे बढ़ना है, एक विद्या देवी की जैसी शोहरत हासिल करनी है, तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब तक हम कहते ना, समुद्र में उतरेंगे नहीं तो तैरना कैसे सीखेंगे। बस मेरी बात मानते हो तो उतर जाओ, नहीं तो फिर जय माता दी।